उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप जी शाही, वित्त मंत्री श्री राजेश जी अग्रवाल, मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सभी सम्मानित मंत्री एवं इस मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित किसान बहनों एवं भाई, बहनों भाइयों, मंच पर बैठे बैठे बहुत सारे किसानों की चेहरे की तरफ मैं देख रहा। मंच पर पहुंचते ही जिस तरीके से आप लोगों ने करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, उसमें भी आपका जोश और उमंग यह देखते बनता। लेकिन मैं यह मानता हूं, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत अभिनंदन सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इसके पहले भी आपने बहुत सारी सरकारें उत्तर प्रदेश में भी देखी हैं और हिंदुस्तान में भी देखी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय हम लोगों ने यह वादा किया था सरकार बनने के बाद ऐसे जो हमारे छोटे सीमांत और गरीब या किसान हैं, उन किसानों का फसली ऋण माफ किया जाए। मुझे याद है कुछ पत्रकार मित्रों ने उस समय मुझसे कहा कि साहब, चुनावों में वादे तो किए जाते हैं लेकिन वादे नेताओं के द्वारा पूरे नहीं किए जाते। यह उनकी आशंका स्वाभाविक थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में बहनों भाइयों, नेताओं ने जनता के साथ बहुत सारे वादे किए हैं लेकिन अपने वादों को जितना पूरा करना चाहिए उतना पूरा नहीं किया। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कथनी और करनी में अंतर नहीं आने दिया और जो कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि 100 दिन के अंदर ही ऐसे छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनका कर्ज माफ किया जाएगा, उस वादे को 100% उन्होंने पूरा करने में कामयाबी हासिल की है। मैं उन्हें अपनी तरफ से विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आज का यह दिन किसी पर्व किसी त्योहार से यह कम नहीं है। आपको जहां पर फसली ऋण के कर्ज की बेड़ियों से मुक्ति मिलेगी, वहां पर एक नई शुरुआत करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, दो लाभ इससे होने वाले। और मैं कह सकता हूं 100 दिन के अंदर वादा पूरा करके या कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, बल्कि एक करिश्माई काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, आज यदि आपको कर्ज से आजादी मिल रही है तो बहनों भाइयों, 15 अगस्त 2 दिन पहले ही था, 70वीं वर्षगांठ हम लोगों ने आजादी की मनाई है। जहां पर 70वीं वर्षगांठ हम लोगों ने आजादी की मनाई है, वहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जब 1942 में हुई थी, उस भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ हम लोगों ने इसी वर्ष मनाई। इतना ही हमें यह विचार करना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस हिंदुस्तान में किसने निभाई। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन में हिंदुस्तान में सबसे आगे बढ़कर एकजुटता का परिचय देने का काम यदि किसी ने किया था तो इसे हिंदुस्तान के किसानों ने किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं,
चंपारण का आंदोलन आज के 100 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। यही लखनऊ है, इसी लखनऊ में 1916 में जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था तो चंपारण के रहने वाले एक किसान थे, राजकुमार शुक्ल जिनका नाम था। उसी राजकुमार शुक्ल ने उस समय उसी अधिवेशन में चर्चा की थी कि चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर कितना जुल्म ढाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, कितना अत्याचार ढाया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस के नेताओं को वहां जाकर उसे देखना चाहिए। विशेष रूप से उन्होंने महात्मा गांधी से अपील की थी कि महात्मा जी आपको चंपारण चलना चाहिए और किसानों के ऊपर जुल्म और अत्याचार जो अंग्रेजों के द्वारा ढाया जा रहा है उसके खिलाफ आपको आंदोलन छेड़ना चाहिए। 4-5 महीने के बाद ही वो 1917 में महात्मा गांधी चंपारण में पहुंचे थे और बहनों भाइयों, चंपारण में जाकर उन्होंने किसानों को संगठित काम करने का काम किया था। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को जब कहा तुम चंपारण से बाहर चले जाओ, उन्होंने कहा कि मैं आपके आदेश का मैं पालन नहीं करूंगा, यह कहकर अपना विरोध वहां प्रदर्शन किया था। और उसके बाद इतना जबरदस्त आंदोलन था कि मैं कह सकता हूं भारत छोड़ो आंदोलन का बीजारोपण यदि कहीं से हुआ था तो चंपारण की धरती से हुआ था और किसानों के आंदोलन से हुआ था। बहनों भाइयों, उसके परिणाम स्वरूप 1942 के बाद 5 वर्षों के बाद जाकर हमको आजादी हासिल हुई है और आज हम आजाद भारत में हम लोग यहां पर सांसें ले रहे हैं। कोई भी कल्याणकारी सरकार हो, उस कल्याणकारी सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह किसानों के लिए जो भी हितकारी होगा, जो भी कल्याणकारी होगा, उस काम को वह करेगी। और वह काम आपके मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। बहनों भाइयों, यह आप सबका सौभाग्य है। इतना ही मुझे मालूम है, सरकार बनने के साथ ही उन्होंने यह आदेश दिया कि किसान जो गेहूं जितना भी अपना बेचना चाहता है उस गेहूं की खरीद की जाएगी। मुझे याद है, या तो जब मैं 2000 में यहां पर मुख्यमंत्री था उस समय गेहूं की खरीद हुई थी, धान की खरीद हुई थी, अथवा यह सिलसिला 15 वर्षों के बाद यदि किसी ने प्रारंभ किया है तो आपके यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रारंभ किया है। किसानों को उनके उपज की उचित कीमत मिलनी चाहिए, सभी को इस बात की चिंता करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आज 2017 है, 5 वर्ष के बाद 2022 आते आते हम किसानों की जितनी आज आमदनी है इस आमदनी को हम ठीक 2 गुना कर देंगे, यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। यह कैसे होगा जबकि किसान अपने खेत में जो कुछ भी पैदा करने के लिए लगाता है, यानी जो लागत मूल्य है, जब तक उस लागत मूल्य में कभी नहीं आएगी तब तक किसी भी सूरत में किसानों की खेती लाभकारी नहीं हो सकती। लेकिन आप यदि मेरी बात से सहमत हो तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। आपको याद होगा इसी यूरिया खाद की खरीद करने के लिए आपको लाइन में खड़े होना पड़ता था, यहां तक कि कभी कभी आपके ऊपर जो है लाठी चार्ज भी की जाती थी। लेकिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद बहनों भाइयों, हर किसान हिंदुस्तान का इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आने के बाद खाद की कीमत में कमी हुई है और खाद की खरीद के लिए हमारे किसानों को अब लाइन में नहीं खड़े होना। हम हिंदुस्तान के किसानों को लाइन में खड़े हुए नहीं देखना चाहते। हिंदुस्तान के किसानों को बार बार कर्ज माफी के लिए सरकारों से याचना करनी पड़े, ऐसे भी हालात नहीं पैदा होने चाहिए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 आते आते हम किसानों की आमदनी को 2 गुना करें। और एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो उन्होंने प्रारंभ की, इसके पहले भी बहुत सारी फसल बीमा योजनाएं रही हैं लेकिन कभी भी 100 में से 20 लोगों से अधिक किसानों ने कभी भी अपना बीमा नहीं करा। लेकिन अब हिंदुस्तान में वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा जो फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है, मेरे बहनों भाइयों, तेजी के साथ लोग अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं।
पहले इसलिए अधिक बीमा नहीं होता था क्योंकि किसानों को बहुत ही अधिक प्रीमियम देना पड़ता था, लेकिन आपको भी मालूम है कि अब प्रीमियम ज्यादा आपको नहीं देना, जितने का आप बीमा कराएंगे केवल 1.5 फीसदी रबी की फसल के लिए और केवल 2 फीसदी खरीफ की फसल के लिए और नगदी फसल के लिए आपको केवल 5 फीसदी का यह प्रीमियम देना पड़ेगा। यानी कम प्रीमियम और अधिक बीमा की व्यवस्था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से मेरे बहनों भाइयों कर दी गई। शेष जो 90, 92, 95, 98% जो प्रीमियम होगा वह सरकारी खजाने से जमा किया जाएगा। मेरे किसान भाइयों, आपके खाते से वह पैसा नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में की गई। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मेरे बहनों भाइयों एक सुरक्षा कवच है जो आपको वक्त की मार से भी बचाएगा और आपको मौसम की मार से भी बचाएगा। इस प्रकार की एक प्रभावी योजना हमारे प्रधानमंत्री ने लागू की। आप जो कुछ भी पैदा करते हैं जिस जो उचित कीमत उसकी मिलनी चाहिए, आपको उचित कीमत नहीं मिल पाती। लेकिन अब एक नया सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है कि अब हिंदुस्तान की लगभग 585 जो बड़ी बड़ी मंडियां, उन सारी मंडियों को अब सीधे इंटरनेट के साथ जोड़ेंगे और ई नाम, एक ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट करके एक वेबसाइट जो है जारी की गई है। आपका बच्चा आपके घर में बैठे बैठे अपने कंप्यूटर पर अपनी उंगलियों को चलाकर यह देखेगा कि हमने जो माल हमारे पिता ने पैदा किया है उसकी कीमत लखनऊ के बाजार में अच्छी मिलेगी कि कानपुर के बाजार में मिलेगी कि मुंबई के बाजार में मिलेगी कि कलकत्ता के बाजार में मिलेगी। जहां भी उसको उचित कीमत मिलती हुई दिखाई देगी तो अपनी उंगलियों के माध्यम से अपने घर में रखा हुआ जो फसल है, जो भी उत्पादन है, उसको बेच सकता है और अधिक से अधिक कीमत प्राप्त कर सकता है। एक नई व्यवस्था आपकी सरकार ने प्रारंभ की। कई ऐसे प्रभावी कदम उठाए, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो और 5 महीने से ही हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, इसने भी उसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाने प्रारंभ किए हैं। इतना ही नहीं, किसानों की पर हेक्टेयर यील्ड बढ़नी चाहिए, पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, चीन में जहां पर प्रति हेक्टेयर लगभग 6000 किलो फसल का उत्पादन होता है, अन्न का उत्पादन होता है, वहीं पर भारत में बामुश्किल प्रति हेक्टेयर 2000 किलो का उत्पादन होता है। इतना अंतर। हम लोगों ने फैसला किया है कि यदि चीन प्रति हेक्टेयर 6000 किलो अन्न यदि पैदा करता है तो कुछ ही वर्षों में हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि आप जैसा किसान भी 1 हेक्टेयर में 6000 किलो का अन्न पैदा कर सके। इस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। इस हकीकत को मेरे बहनों भाइयों हम लोग समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक हिंदुस्तान का गरीब खुशहाल नहीं होगा, तब तक किसी भी सूरत में नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता। और नए भारत के निर्माण हम करना चाहते हैं तब नए उत्तर प्रदेश का भी हमको निर्माण करना होगा, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है। जब तक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण नहीं होगा तब तक नए भारत का भी हमारा स्वप्न किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता। मैं यह भी आप सबसे अपील करना चाहता हूं, अच्छी कीमत किसानों को मिले इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमारे किसान बहनों भाइयों को आगे बढ़ना चाहिए। सिंचाई का जहां तक सवाल है, ड्रिप इरिगेशन को हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, पर्याप्त सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है, हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है। मैं समझता हूं उस संबंध में भी आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करूंगा, चुनाव के दौरान जब हम सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने जाते तो जगह जगह किसान यह कहता था, कुछ घुमंतू जानवर, जो घुमंतू पशु हैं जिन्हें अन्ना पशु कहते हैं,
उन अन्ना पशुओं के कारण जो है किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, इसलिए उन अन्ना पशुओं की, घुमंतु पशुओं की कोई मुकम्मल व्यवस्था की जानी चाहिए। और मैं आश्वस्त हूं पहना भाई कि उन घुमंतु पशुओं की भी हमारे मुख्यमंत्री निश्चित रूप से कोई ना कोई मुकम्मल व्यवस्था करेंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो भी आप पैदा करते हैं, आप फल पैदा मुकम्मल व्यवस्था हो सके, इसलिए इस हिंदुस्तान के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए बहनों भाइयों, मैं पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उठाए गए किसानों के लिए इतने बड़े कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए पुनः अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से इस मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से बधाई दी जानी चाहिए इतने बड़े कार्यक्रम के लिए। अंत में इतना ही कहते हुए पुनः आप सभी किसान बहनों भाइयों के सामने शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।